जोधपुर में सुरसागर क्षेत्र में उपद्रवियों द्वारा किए गए उपद्रव के विरोध में जोधपुर विश्व हिंदू परिषद और सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के देवनगर थाना इलाके के आंकलिया चौराहे के पास रविवार को 3 बजे चोरों ने एक दुकान को बनाया निशाना। दुकान में रखे अन्य सामान के साथ नकद भी ले गए चुरा। चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में ANM के साथ हुई घटना के विरोध में राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जोधपुर के सुरसागर में उपद्रव के बाद पुलिस काफी सख्ती और सतर्कता बरत रही है। इस बीच सुरसागर इलाके के ड्रोन कैमरे से सर्चिंग में हुआ खुलासा। पत्रकार नरेश बारासा पर हुए जानलेवा हमले के बाद वाल्मीकि समाज ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एवं स्नातकोत्तर अंग तंत्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और अवैध तस्करी विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में व्याख्यान का आयोजन। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बहत्तरवीं पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया पौधारोपण। सोमवार को जोधपुर के चांदपोल क्षेत्र के गौर मैदान में महिला सशक्तिकरण को लेकर नारी आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का मरुधर नारी सशक्तिकरण संगठन मनसा के पुष्पादिधि और कार्यक्रम संयोजिका आरती श्रीमाली ने किया आयोजन। पश्चिमी रेलवे का जोधपुर रेलवे सोमवार को 142 वर्ष का हो गया। 142 सालों पहले 24 जून 1882 को जोधपुर रेलवे पर खारची मारवाड़ जंक्शन से पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन के बीच पहली बार स्टीम इंजन से ट्रेन चलना हुई थी शुरू। जोधपुर में लक्ष्मीनगर स्थित जय गुरु सुपार्श पोषधाला में जय गच्छाधिपति 12वें पट्टधर आचार्य पार्श्वचंद्र महाराज का 64वां व डॉक्टर पदमचंद्र महाराज का 37वां दीक्षा दिवस मनाया गया।